और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर ये मिल रही है कि 50% तक का जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है। ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में तहखाने को खोला गया, उसके बाद जहां जहां सर्वे होना है वहां पर 50% तक सर्वे पूरा कर लिया गया है। और जानकारी ये मिल रही है कि जो सर्वे टीम है उसकी कोशिश ये है कि आज सर्वे के काम को पूरा कर लिया जाए, यानी 15 मई तक सर्वे के काम को पूरा कर लिया जाए। उसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई तारीख तो नहीं दी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सोमवार को सुनवाई हो सकती है, अंजुमन इंतजामिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। और इसीलिए कोशिश यही है सर्वे टीम की कि जल्द से जल्द सर्वे के काम को पूरा कर लिया जाए। वाराणसी कोर्ट ने आपको बता दें 12 मई को ही आदेश दिया था और ये कहा था कि 17 मई तक सर्वे के काम को पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद 14 मई से सर्वे के काम को शुरू किया गया। कल यानी 14 मई को 50% तक काम पूरा कर लिया गया है सर्वे का, लेकिन अब जो 50% सर्वे का काम बचा है उसको भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। और ये सूत्र बता रहे हैं कि कोशिश यही है कि आज यानी 15 मई को ही 50% जो सर्वे का काम बचा है उसको पूरा कर लिया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट में जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई हो उससे पहले ही इस काम को पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी तक हमने कागजात ही नहीं देखे तो इस पर सुनवाई कैसे शुरू करें और आदेश की तो फिर बात ही बहुत दूर हो जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन उससे पहले सर्वे टीम की कोशिश है कि सर्वे के काम को पूरा कर लिया जाए। आज 15 मई को भी सर्वे के काम को सुबह से शुरू किया गया और बताया जा रहा है कि जो मस्जिद के गुंबद हैं वहां पर सर्वे का काम चल रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है सर्वे के दौरान कि जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद की वहां पर एक दरवाजा पाया गया है और उस दरवाजे के ताले को खोला गया। बताया जा रहा है कि दरवाजा 3.5 फीट का ये दरवाजा है और बताया जा रहा है कि ये जो दरवाजा है वो सीधा गुंबद की तरफ जाता है। तो अब इस दौरान जब सर्वे होगा, दरवाजा जो गुंबद तक जाता है वहां का जब सर्वे होगा, क्योंकि आपको याद होगा लगातार यही दावा किया जा रहा था कि दरअसल इस दरवाजे पर हिंदू देवी देवताओं की जो कलाकृति है उससे जुड़े कई सबूत हैं और इसलिए यहां पर सर्वे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो लिहाजा देखना होगा कि आज सर्वे के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता। लेकिन एक और जानकारी आपको दे दे कि कल जब सर्वे हो रहा था तब एक सांप नजर आया था और यह बड़ा सबूत माना जा रहा था क्योंकि भगवान शिवलिंग के इर्द गिर्द सांप मौजूद रहते हैं और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जहां पर सांप मिला है वो एक बड़ा साक्ष्य है। जाहिर है सर्वे टीम इसे भी अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगा। तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि सर्वे टीम आज सर्वे का काम किसी भी तरीके से पूरा कर लेना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो उससे पहले सर्वे का काम पूरा हो जाए। तो आपको बता दें मस्जिद के गुंबदों का सर्वे लगातार जारी है, जो मस्जिद के अंदर और ऊपर के कमरे हैं वहां का सर्वे किया जा रहा है। पश्चिमी दीवार के दरवाजे का ताला खोला गया, ये चौथा ताला खोला गया है जो गुंबद तक जाता है। आपको ये भी बता दें कि पूरी जो परिसर है, जो पूरी ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके इर्द गिर्द पूरा जो क्षेत्र है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि सर्वे के दौरान किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। इसके अलावा ये भी जानकारी हमारे संवाददाता की तरफ से मिली है कि जो बांस फाटक से गेट नंबर 4 तक 5 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। सुरक्षा की दृष्टि से 9 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है, सीआरपीएफ की टीम को भी लगाया गया है सुरक्षा में। तो इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लिहाजा उससे पहले ही सर्वे टीम सर्वे के काम को पूरा कर लेना चाहती है। 50% तक हो चुका है जो बचा हुआ है सर्वे, 50% वो भी आज अनुमान है कि हो जाएगा। जी आज किस तरह का कार्य हो रहा है? जी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, पूरी नेतृत्व जो है पूरी टीम की हम ही कर रहे हैं, अब पूरा वादी प्रतिवादी पक्ष उसमें सहयोग कर रहा है, अब बिना किसी रुकावट या बाधा की कमीशन की कार्रवाई पूरी की जा रही है, शांति व्यवस्था कायम है और उसके बाद रिपोर्ट आप, आप, है।